टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लगातार हो रही बारिश की वजह से ठाणे सहित अन्य इलाकों में पानी भरने की खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये ठाणे शहर की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सड़कें नहीं मानो समुंदर बन गई हैं। बारिश से पहले जिस तरह से मनपा ने बड़े बड़े दावे किए थे नालों की साफ सफाई को लेकर, मगर बारिश होने से जिस तरह से पानी भर गया उससे लग रहा है कि नालों की साफ सफाई सिर्फ कागजों पर हुई है। करोड़ों रुपए नालों की साफ सफाई पर खर्च होते हैं, मगर उसके बावजूद तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों को पानी भरने की वजह से काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पानी इतना भर गया है कि लोगों की गाड़ियां भी बंद हो गई हैं। लोग अपनी गाड़ियों को धक्का मार के लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पानी निचले इलाकों में भरा है। 3 पेट्रोल पंप, हरिनिवास सर्कल, वंदना सिनेमा, वंदना डिपो सहित और कई अन्य निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें सामने आई। आपको बता दें कि जिन इलाकों में पानी भरा है लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी इनकी परेशानी देख सकते हैं। इसी तरह से लोग मनपा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से आखिर आम नागरिक इस पानी से होकर अपनी बंद गाड़ियों को लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सहित मुंबई ठाणे के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ठाणे शहर की कल शाम की है।